चलो बैठ चल गया सच आज चला मुझे पता है ठीक है सर आज एक्शन खत्म करें सर इसमें जी सर सर ये क्या आ गया स्क्रिप्ट भी देनी थी ना भाई उधर से वो उसकी वो डीपी की तो सर उधर से उसको नहीं ऐड करना सो से ऐड करना दया सो से ऐड करना चलिए थोड़ा छोटा कर देना वो सैम जो मेन चीज है वो तो बहुत ही छोटी नजर आ रही है बाकी एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं ये भी बनी हुई है कोई इसमें कौन सी बनी हुई है ये एम्प्लॉयमेंट में है ये भी फॉरेन सर वो बटन खोलो ना इधर से दबाएंगे हां भी सही है बटन प्रेस कर दिया अरे ना ना सर शिश के हो रहे हैं ये नेक्स्ट फिर भी नहीं कर रहा वो न्यू कनेक्शन बना लिया नेक्स्ट फिर भी नहीं वो कर रहा अच्छा तरीका करना नहीं होती मैं करना सीखा सीख ले लेकिन ये है कि फिर तुम लोग चीटिंग करोगे एक दूसरे से डाटा नहीं 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 कल बस हो गया अब मेरा ख्याल ठीक है अब नेक्स्ट होगा हो गया ठीक है अब वेब डॉट कॉन्फ़िग में जाके इस ये कनेक्शन स्ट्रिंग डिलीट कर दो ठीक है जो पुराने वाली थी एक पुराने वाली कनेक्शन स्ट्रिंग डिलीट कर दी अभी ये वेब फॉर्म 6 चलने से मना कर रहा था अभी चल जाएगा ये डीबी से आ रहे हैं न्यूयॉर्क कौन सा सिटी पाकिस्तान का है अच्छा चलो आगे चलते हैं अब आपको काम सिखाऊं राइट क्लिक किया ऐड न्यू आइटम ऐड न्यू आइटम मैंने कहा जी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यूजिंग मास्टर पेज बनाना चाह रहा हूँ माय कौन सा नहीं सर नीचे वाला नीचे वाला ये परफॉर्मेंस बेहतर है इसका अच्छा हमने डेटाबेस बनाई थी कोई उसकी ऑनलाइन शॉपिंग की तो वो तो बना लो यार चलो मैंने डाट प्ले की थी लेकिन वो टाइम बहुत हो गया मैंने कहा बताया 3-4 महीने मेरे इस पे लग गए थे इसमें कुछ करने भी नहीं दिया मुझे अच्छा फंक्शन ये हम इंटरनेट से भी थोड़ी हेल्प ले लेते हैं कुछ डीबीसी भी बना लेते हैं अगर गूगल खुल जाता है अगर हमारे पास ऑन कर देते हैं ये google.com.in जस्ट सर्च करें नहीं मुझे उधर से आदत है इंटेलिजेंस थोड़ी आती है मेन्यू में नहीं आती शाम टाइम ही आती है अच्छा चलो इधर देखो हमने क्या करना था मैं कहता हूँ
ऑनलाइन कार्ड सबके अलग अलग बच्चे ये एज इट इज ना ये बनाना चाह रहा हूँ ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट की डेटाबेस की निकाली है, हल्की सी है, ये छोटी है, जिसमें हम आपको डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स का टेबल हम खुद एंटर कर लेंगे, प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का रिव्यूज़ हैं, ऑर्डर का टेबल है और ऑर्डर्स का टेबल है और ऑर्डर डिटेल का टेबल है ठीक है। तो ये इस तरह की डीबी में बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सिनेरियो देख लिए, बहुत है ये ओएलएक्स से ज़्यादा ही है, ऑर्डर ओएलएक्स में ये चीज़ें होती हैं, ओएलएक्स ये नहीं होता। कस्टमर का टेबल यहाँ पे मिसिंग है, कस्टमर नेम आ रहा है ना यहाँ पे, तो पर्सनल इन्फो का भी टेबल बनाना है, तो हम इससे मिलती जुलती को डीबी एक यहाँ पे अपनी बना लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट की, जो इससे बहुत बेहतर होगी, ये ज़रा माड़ी सी है, हम इसे को बेहतर बना लेते हैं। डेटाबेसिस पे राइट क्लिक किया, कहा जी न्यू डेटाबेस। अच्छा मैंने कहा जी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, ओके किया। ये मिड तक ये ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में चीज़ें सिखाऊंगा, शॉपिंग कार्ट तो बने ही बने, सात चीज़ें जो है ना इसकी, स्टेट मैनेजमेंट, क्यूरिस्ट्रिंग, वैलिडेशन, सारी चीज़ें वो सिखा के फिर अगला जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो आप और मैं मिलके बनाएंगे, सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होगा और लेस्को का बिलिंग सिस्टम होगा। मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, आप लोग अपने अपने लैपटॉप पर काम करते जाओगे, क्लास में मैं आया करूँगा, हम डिस्कशन करेंगे सर ये काम करना चाह रहे हैं कैसे होगा, सर ये काम करना चाह रहे हैं कैसे होगा, वो हम इस तरह से फिर चलाएंगे। डेटाबेसिस पे आए, डेटाबेस डायग्राम राइट क्लिक किया, कहा जी न्यू डेटाबेस डायग्राम, कहता नहीं बनेंगी बना दूँ, तुम पास हो गए हो, कितने नंबर आए सीटी में, कम नहीं कितने, चलो कोई बात, अब मेहनत करना। सबसे पहला टेबल हम कौन सा बनाएंगे यहाँ पे, कैटेगरी का टेबल, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कैट आईडी, कैट नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज IMAGE इमेज ठीक है जी। कैट आईडी हमारे पास जाए टाइप क्या होगी, इंट कैट नेम वारचार 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 मैक्स, कैटेगरी आईडी हमारे पास प्राइमरी की स्ट्रिंग ठीक हो गया। अगला टेबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे ब्रांड का, BRAND ब्रांड BID BRAND ब्रांड नेम और डिस्क्रिप्शन और लोगो ठीक है। ब्रांड आईडी की डाटा टाइप इंट, दरअसल ना मैं बताऊँ यहाँ पे हम ना डेटाबेस में कभी भी शॉपिंग कार्ट में इमेज स्टोर नहीं कराते ठीक है, अन्य वहाँ इमेजेस आने हैं तो वह भी हो जाता है, इमेज का पाथ भेजते हैं डीबी में और फोल्डर के अंदर अपलोड करवाते हैं, इसलिए मैक्स रखा है कि मुझे नहीं पता पाथ कितना होगा, 50 से तो ज़्यादा ही बनेगा, URL हो सकता है बहुत लंबा बने, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम यस वो तो इमेज का नाम उसका 200 करेक्टर का है। अच्छा आप दोनों के दरमियान में वैसे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी हो सकता है, जंक्शन टेबल भी बनाना पड़ सकता है, मैं सिंपल रख रहा हूँ, मैं कहता हूँ वन कैटेगरी के आगे बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कैटेगरी मोबाइल है आगे ब्रांड के होंगे क्यू मोबाइल क्यू नोकिया सैमसंग, तो ये मैं इस तरह से सिंपल रख रहा हूँ, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। वन ब्रांड कैन हैव मैनी, वन कैटेगरी कैन हैव मैनी ब्रांड्स, तो रिलेशनशिप वन वाला और ये मैनी वाला, ये पेरेंट ऊपर वाला, ये चाइल्ड वाला, प्राइमरी की लगा दी मैंने, कंट्रोल एस
कैटेगरी बन गया, ब्रांड बन गया। आप कैटेगरी वाइज भी सर्चिंग इजीली कर सकते हैं, ब्रांड वाइज भी इजीली कर सकते हैं, रोल लाइक कोई नहीं है। फिर अगला टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट का, न्यू टेबल PRODUCT प्रोडक्ट, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैट आईडी, वैसे ये ज़रूरी नहीं था, बी आईडी एक भेज दो तब भी काम हो जाना था, कैट आईडी, ब्रांड आईडी, प्राइस, कलर, मोबाइल की क्या एक्सपायरी होनी है, वो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख देना, डिस्क्रिप्शन रखो मैक्स, वाचर मैक्स रख लेंगे, वो सारा डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ पूरा चाप देंगे उसको कि भाई ये है, वो सारा कुछ नीचे आ जाएगा कि क्या है, खाने पीने वाली चीज़ हुई तो एक्सपायरी होगी वरना और चीज़। प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैट आईडी, ब्रांड आईडी, प्राइस, कलर, डिस्क्रिप्शन, और क्या हो सकता है, वेट, डाइमेंशंस, सही है, चलो नहीं ठीक है, और इमेज पॉजिटिव। वैसे आप ये भी कहानी फ़र्क है, वन प्रोडक्ट कैन हैव मैनी इमेजेस, ठीक है, तो ये टेबल लैदा बनता है। मैं फिलहाल अभी स्टार्टअप के तौर पे एक इमेज रख रहा हूँ, उसके बाद जब ये मैं एक दो लेक्चर कर लूँगा, इमेजेस अपलोड हो रहे होंगे आ रहे होंगे, फिर यहाँ पे एक नया टेबल बना के मल्टी इमेजेस वाला भी करवाऊंगा। एक चीज़ और, जब हम नया टेबल बना के इमेजेस रखेंगे तो वो तो मतलब एक ही नाम की सेम इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी, रैंडम इमेज चेंज हुआ करेगी। हाँ, तो प्रोडक्ट आईडी फॉरन की जाएगी, इमेज प्रोडक्ट आईडी 1111 और इमेज 1 2 3 4 5, हाँ के साथ वो फिर ज्वाइन के साथ गेट कर, और ज्वाइन भी नहीं लगाएंगे सर, बैठे हैं हम जुगाड़ लड़ाएंगे, ठीक है, तो हम ज्वाइन की टेंशन ही नहीं ले रहे। वैसे तो रिलेशनशिप होगा, ज्वाइन के जरिए भी आ जाएगा, ज्वाइन से ही उठा लेंगे, और बताओ जुगाड़ का जो मज़ा है ना। क्या कह रहे हो, वेट, हाँ ये बाबा सर यानी है, ओके हो गया, अब रिलेशनशिप बना लो, ओके हो गया, और ये कैटेगरी और ब्रांड का इसलिए बनाया है ताकि मैं कैटेगरीज वाइज ब्रांड सर्च कर सकूँ, ठीक है। एक और टेबल बना रहे हैं, कस्टमर, जिसने आके शॉपिंग करनी है, डेटा लिख दिया था, अच्छा कस्टमर और सिटी का टेबल, मोहब्बत है, मोहब्बत है उधर से, क्या बाहर होगी, क्या कहते हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छा गोल है, लेकिन कभी अपने अपने कंट्री का भी मोहब्बत, अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, न्यू टेबल,
नहीं समझ आई ऑर्डर लेके कौन गया हमने डिलीवर करना है वो टेंशन हमने डिलीवर करना है स्टेटस डिलीवर करना है हाँ क्या हो गया वो सी शार्प में होती है रिलेशनशिप तो समझ आते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं है लो जी हमारी डीबी तैयार होगी माड़ी सी सही है अब और छोटी को ठीक है अब इसमें लॉगिन साइन अप के टेबल आने हैं लॉगिन साइन अप के टेबल ठोक दो इसको जी सिकंदर मैं कहना ठोक दीजिए तो भाई तूने डीपी के दो कोर्सेज पढ़े हैं पहले तीसरा भी हो गया कल पीछे छोड़ने के लिए ईटी में ईटी में डीपी पढ़ाई है वो बताइए नहीं ऐसी बात नहीं अब तूने पूछा है अब पूछा है तो फिर पूछा है जब भी टीपी बनाते हैं सबसे पहला काम क्या होता है हम एंटिटीज डिफाइन करते हैं सर वो तो बता लेकिन ये कह रहा हूं मैं फेक करते हैं चलो ठीक है मैंने एक कैटेगरी का टेबल बनाया क्योंकि मेरी वेबसाइट पर डिफरेंट कैटेगरीज ऐड होंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जब वो लेक्स ओपन करते हैं सबसे पहला पेज ओपन कौन सा होता है कैटेगरीज फिर कैटेगरीज में होती हैं प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर ब्रांड भी एंटर कर लिया भाई कैटेगरी फिर कैटेगरी के आगे ब्रांड्स होते हैं सैमसंग मोबाइल सैमसंग आ गया नोकिया आ गया इस तरह से ब्रांड्स ऐड करेंगे फिर हम उस ब्रांड के अंदर हम क्या पोस्ट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे अब मैं डिफरेंट सर्चिंग कर सकता हूँ मैं प्रोडक्ट वाइज सर्चिंग कर सकता हूँ मैं ब्रांड वाइज सर्चिंग कर सकता हूँ मैं कैटेगरीज वाइज सर्चिंग कर सकता हूँ मैं प्राइस वाइज सर्चिंग कर सकता हूँ जैसे मर्जी तीनों के मिला के फिल्टर कंपोजिट फिल्टरिंग भी कर सकता हूँ ठीक है दूसरी उसके बाद फिर जब कस्टमर आके प्रोडक्ट देखेगा पसंद आ जाएगी वो फिर कहेगा मैंने ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करने लगेगा फिर हम उसे कहेंगे पहले साइन अप हो फिर वो साइन अप होगा साइन अप होने के बाद वो ऑर्डर देगा हम सिटी वाइज भी सर्चिंग उसे देंगे कि भाई सिटी वाइज भी वो सर्च कर सके क्या चीज़ कोई बात नहीं नो इशू हो जाता है लेकिन तंग कर सकता है अब ठीक है ओके हो गया ठीक हो गया वापस अब हम चलते हैं अपने इधर ऑटो इंक्रीमेंट लगा लें वरना तंगी होगी फिर मॉडल अपडेट करते पड़ेंगे फिर जलील होंगे ब्रांड आईडी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इज आइडेंटिटी यस इसी तरह कस्टमर आईडी सारे हो गए ना पूछते तो अच्छा होता दरअसल कैट आईडी ने ब्रांड आईडी दोनों को वन वन से स्टार्ट कर दूंगा ना कल को इसको कन्फ्यूजन आएगी
कि कैटेगरी के टेबल में भी वन है, ब्रांड के टेबल में भी वन है। जब मैं सर्चिंग करूँगा ना तो वो टाइम वो वेयर क्लॉज लगाऊंगा कि भाई मुझे ब्रांड वन चाहिए कैटेगरी वन चाहिए, वो इस वजह से मैंने 20,000 से स्टार्ट किया ताकि कन्फ्लिक्ट ना आए। जब दो टेबल में आईडी सेम हो जाए ना रोला आना शुरू हो जाता है। क्या हुआ था, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो। अच्छा, अब ना मैं ये चाह रहा हूँ ऐड कैटेगरी का मैंने क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है, तो फिर आर्किटेक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। आर्किटेक्चर बना लेते हैं, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज क्लास लाइब्रेरी, बिजनेस लॉजिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, डाटा एक्सेस लेयर। BSL में उस नाम से क्लास बनानी है जिस नाम से टेबल है, तो जल्दी से हम एंट्री फ्रेमवर्क से जनरेट कर लेते हैं। ये या एम्प्लॉय मेन्यू प्रोजेक्ट एंटिटीज नेक्स्ट टेबल्स एंड उस नाम से क्लास बन गई जिस नाम से टेबल था, गेटर सेटर भी बन गए, स्टोर प्रोसीजर थे तो मेथड्स भी बन गए। ये बस इसका फ़ायदा है, बस टेंशन फ्री हो जाओ। गलत एंटर में करवा दिया ना चावल इंसान क्योंकि वो शॉपिंग कार्ट था ही नहीं वहाँ पे, शॉपिंग कार्ट से कनेक्शन बनाया ही नहीं। हमने नीचे भी देखो ऊपर देखा ये वाला बेशरम इंसान वापस आने जा रहा है। एक चार्ट बैच बटन और आज हमने कैटेगरी ऐड कर दी है, फिर आज हमने एडिशन कर दी है बस। तो वो तो टीचर बैठा है, ये करनी है तो मैं ये काम छोड़ के एडिशन करा देता हूं। नहीं 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 सर, ये काम ऐसे थोड़ी ना करते, ऐड न्यू आइटम प्रॉपर करवा रहा हूं, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज। वो डीबी से इंपोर्टिंग हुई है, डीबी ना हो डीबी के बगैर भी हम काम कर सकते हैं, रोला ही कोई नहीं। वेब फॉर्म 9 टीचर बैठे हैं अभी तब चढ़ाते हैं। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में बचे हमारे पास यहाँ पे डाटा के अंदर है लिस्ट व्यू, क्या है जैग एंड ड्रॉप। मैंने कहा जी न्यू डाटा सोर्स, एसक्यूएल डाटा सोर्स, न्यू कनेक्शन डॉट ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। किस टेबल में एंट्री करवानी है, कैटेगरी मैं कहता हूँ कैटेगरी आईडी ऑटोमेटिक में है, कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन देना चाहो एडवांस्ड, एडवांस्ड मैंने कहा जनरेट कर दो, इंसर्ट अपडेट डिलीट, लो जी हो गया काम, टेंशन क्या है। कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू में आए, फॉर्म भी बना देगा, इंसर्शन भी करवा देगा। कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, यहाँ पे आपने मैंने कहा जी एनेबल एडिटिंग, एडिट का बटन लग गया, एनेबल इंसर्शन, नीचे इंसर्शन की टेम्पलेट आ गई, एनेबल डिलीटिंग, डिलीटिंग हो गई, एनेबल पेजिंग, पेजर लग गया। पेजर ये वाला ठीक है कि 1-2 वाला चाहिए, वो वाला ठीक है जी, ये चढ़ ला दिया, ओके हो गया। कलर स्कीम देख लो, ये ठीक है कि अपनी दूँ, ये ठीक है कि अपनी डिज़ाइनिंग, मैं कहता हूँ नो फॉर्मेटिंग करके अपनी कलरिंग देंगे, ओके किया, कंट्रोल एस ये बन गया, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च, हो गए, कोडिंग भी होगी, प्रोसीजर भी लिखे गए। तूने कहा था इंसर्शन करके जाना है, वो बेहतरीन है, दुनिया में कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। हम जा के नहीं रहे, मैंने कहा था आज इतना करके सारे डायल करके बना के जाएंगे खुद, ये बोले इंसर्शन पहले लगा, इधर देखो हां ये किसी तरह इधर काम इधर कर दिखता नहीं, बना लिया तो अच्छा जी ये ओपन हो गया। तो ये देखो आ रहा है, अब वो इतना स्याना है कि उसको पता है कि कैटेगरी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसके लिए उसने इनेबल ऑप्शन ही नहीं दी, कैट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो वो उसको एडिटिंग नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे कैटेगरी इंसर्ट करवाना चाहता हूँ मोबाइल्स, मैंने कहा जी इंसर्ट, मैंने आपको शायद वो फॉर्म का टैग नहीं समझाया था कल, पेज पोस्ट बैक नहीं हो रहा। इधर देखो थीम, माय थीम कस्टम था ना,
मैंने ये चीज़ नहीं समझाई थी कि एक फॉर्म पे एक ही दफ़ा फॉर्म का टैग लगना, तो कंट्रोल एफ लेस देन एफ ओ आर एम नहीं। अब ये देखो ये चीज़ है, अब मुझे तो पता लग गया, आप लोग शायद सारी उम्र बहुत टाइम पे लीड होते हैं। ASP.NET ये कहती है, पहली चीज़ तो ये कि लास्ट टाइम भी समझाया था कि IDs के अंदर नाम नहीं देना, डैश नहीं देनी। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी वेब फॉर्म बनाया है, तो उसके ऊपर फॉर्म का टैग एक ही दफ़ा लग सकता है, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लग सकता। यहाँ पे फॉर्म जिसके साथ लिखा हुआ है रन एट सर्वर, ये ASP का अपना फॉर्म है, यही लगना है। अब हमने चूंकि मास्टर पेज बना लिया, अब मैं पूरी वेबसाइट पे कहीं पे फॉर्म का टैग दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। अब ये देखो यहाँ पे नीचे फॉर्म लिखा हुआ है, इस फॉर्म को आपने डिव में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना है? ये वाला फॉर्म डिव में चेंज हो गया। अब ये देखो ये फॉर्म ओपनिंग टैग डिव में करूँगा ना, क्लोजिंग खुद बदल जाएगा इसका, ठीक है? तो वो क्लोजिंग उसने खुद वहाँ पे उसका बदल दिया। ये फॉर्म हो गया। अभी ये वेब फॉर्म 9 मेरा चलने से मना कर रहा था, मैं इंसर्ट का बटन दबा रहा था, काम नहीं था, चाहे कोई भी बटन लगाओ चलना ही नहीं था इस पेज ने। ये पेज स्टैटिक हो चुका था उस फॉर्म ज़्यादा होने की वजह से। अब ये पेज हमारा डायनामिक होगा, अब ये चलेगा। ये वाला फारम है, आप देख रहे थे मैं इंसर्ट कर रहा था, कुछ भी नहीं था हो रहा। अब देखते हैं अब क्या होता है। ये दोबारा से चला, नेट नहीं ना ऑन था इस दफ़ा, तो ये देखो पेज फटाफट ऑन हो गया। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ जी मोबाइल्स, मैंने कहा जी इंसर्ट करो, मोबाइल्स इंसर्ट हो गया। हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, डिस्क्रिप्शन गलत किया, डिस्क्रिप्शन भी देनी थी। मसला ही कोई नहीं, दोबारा नहीं, इमेज यहाँ से नहीं देनी, वो मैं बताऊँगा, उसके लिए मैनुअल फॉर्म बनेगा। इमेज यहाँ से नहीं जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट फिनिश। अब वो कहते हैं कि तुमने चेंजेस किए हैं, क्या रिफ्रेश करूँ सारे कोड को? मैंने कहा 100 बिज मिला, रिफ्रेश कर, ओके किया, सारी स्कीम्स दोबारा से मेरे पास आ गई। अब डिस्क्रिप्शन भी है और ऑर्डर सीक्वेंस वो आ रहा है जिस सीक्वेंस से मैंने वहाँ सिलेक्शन की थी। अब कैट आईडी बीच में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। या तो वहाँ पे जाके मैनुअल सीक्वेंस चेंज कर लो, या कैट आईडी नेम डिस्क्रिप्शन की सीक्वेंस सीख कर लो। नेक्स्ट, नहीं मान रहा, चलो ठीक है, दोबारा से इसको दोबारा जो हमसे रिमूव करके एक दफ़ा इसको, एक दफ़ा कैट आईडी नेम डिस्क्रिप्शन, हालांकि आप इसको करना चाहिए फिनिश। ओके हो गया, अब मानेगा, सेटिंग आ गई, कैट आईडी, कैट नेम डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, नेक्स्ट, बल्कि ये हो चुका है, अब इसको कॉन्फ़िगर ही करना है सिर्फ। ये एडवांस जनरेट स्टेटमेंट्स, ओके, नेक्स्ट, फिनिश, कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू। अब आ रही ऑप्शन दिस, ओके, अब सेटिंग ठीक है। कैट आईडी, कैट नेम डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल एस, अभी इसको पर थीम लगाता हूँ, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी बताता हूँ, वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। राइट क्लिक किया, विंड ब्राउजर, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन भी अब हमें चाहिए थी, आ रही है। मोबाइल्स, अब ये भी पता लगा मोबाइल का डिस्क्रिप्शन भूल गया, एडिट किया, ये टेम्पो वाली रो आपके पास इनेबल हो जाएगी। एजेक्स करनी है, यह मसला ही कोई नहीं है, एजेक्स के बगैर तो काम ही ख़राब है, एजेक्स के बगैर मसला नहीं आना, ये हिले बगैर अपडेट हो जाएगा, ये इसी जगह पे खड़ा रहेगा, अपडेट भी कर देगा। यहाँ पे ये देखो स्टैंडर्ड, ये एजेक्स एक्सटेंशन, ये करानी है, स्क्रिप्ट मैनेजर, स्क्रिप्ट प्रॉक्सी, टाइमर, अपडेट पैनल, अपडेट प्रोग्रेस, शशके के लिए ये होना ही होना है। लेकिन हर चीज़ वक्त पे, आपको खुश करने के लिए मैं एजेक्स छेड़ लूँ तो मेरा ना सीक्वेंस सारा तितर बितर हो जाता है, सारी चीज़ें होंगी सीक्वेंस के साथ। अच्छा मोबाइल्स, अब मैंने कहा जी, अब देखो यहाँ पे कैट आईडी एनेबल नहीं है क्योंकि ऑटो है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा जी इंसर्ट करो, ये भी इंसर्ट हो गई, हुई है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा जी इंसर्ट करो, एजेक्स है ना, बता तो रहा हूँ एजेक्स है, ठीक है एजेक्स है, वो जब करवाऊँगा आपको पता लग जाएगा। चूँकि डेटाबेस में से रिक्वेस्ट जानी है, इसने अपडेट होना है, तो ये इसने शशका करना ही करना है। तो अब आपने खुद समझ ली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है इसमें, ये कल को बताऊँगा ये कैसे रिजॉल्व होनी है। एजेक्स के जरिए हम ये करते हैं कि पेज पोस्ट बैक किए बगैर हम पेज को अपडेट कर रहे होते हैं डीबी से, तो ये हिलता भी नहीं है, वहीं पर रहता है। अच्छा जी, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स,
डिस्क्रिप्शन देनी है, दो नहीं देनी, ना दो इंसर्ट, या कुछ लोग अब ये तो मैं हर एक रो डीबी में भेज रहा हूँ ना, कुछ लोग ये भी करते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट जो सी है ना वो व्यू में रखवाते हैं। आप एजेक्स यूज़ करो, आप ये डीबी में ना भेजो, मैं इंसर्ट करूँ ये व्यू साम यहाँ ऐड हो जाए, डीबी में ना जाए, सारी की डेटा एट दी एंड यहाँ पे फ्रंट एंड पे ऐड हो जाए, मैं एंड पे इंसर्ट का बटन दबाऊँ तो सारा डाटा फॉर ईच का लूप चले, फॉर सारा डाटा जाके डीबी में जाए, ऐसा भी हो सकता ना, फॉर ईच लिस्ट में जाएगा, लिस्ट फॉर ईच का वो फॉर ईच का लूप लगेगा, हर रो का डाटा गेट करेंगे, इंसर्ट करवा देंगे, वो भी डीबी पे उतनी क्यूरियाँ चलनी, जितनी रिकॉर्ड्स होंगे उतनी दफ़ा चलनी चलनी है। हाँ, इसमें ये हो रहा है कि साथ साथ चल रही है क्यूरी, उस तरह ये होगा एट द एंड लूप लगाएंगे और चला देंगे, ये हो गया। अभी अभी पता लगा यार ये रिकॉर्ड ही गलत है, फाइल वाला एडिट किया या जो भी आपने एडिट करना, ये इनेबल हो गया, अपडेट करना है अपडेट कर दो, कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, और अगर नहीं पसंद मैं कहता हूँ उड़ा दे डिलीट कर टक तो डिलीट हो गया, समझ गए हो ये काम है। अब ये पी एच पी में करके दिखाओ जरा, मुझे कहता हूँ जहरीला हो गया तो बात करना, ये मेरी अभी ये 5 मिनट है सिर्फ, पूरे 28 लेक्चर पड़े। अब इस पर लगानी पूछ रहे बटन इंतहाई गंदे आ रहे, देखने पर दिल नहीं कर देखने पे दिल तो मसला ही कोई नहीं। आप इधर आओ, यहाँ पे आप सोर्स व्यू में हो। अच्छा आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ना स्टाइलिंग है, अब मुझे ये बताओ पहली रो का एक कलर रखो, दूसरी रो का दूसरा कलर रखो, ऐसे आए कि सारी रोज एक ही कलर की हैं? स्ट्रिप ठीक है, चेंज मतलब बटन को अलग कर लेते वो तो मिलेगा, वही कह रहा हूँ। ओके हो गया, मैं समझ गया, बड़े तुम लोग ऐसे चला छा गए हो। अच्छा ये देखो यहाँ पे लगा हुआ डिलीट बटन लिस्ट व्यू के अंदर, डिलीट बटन में मैं कहता हूँ सी एस एस क्लास इक्वल्स टू, अब डिलीट बटन किस तरह रेड कर दूँ, लेकिन अब उसमें डिलीट बटन सारे सेम रहे, ऑल्टरनेट हो देखो ना, फिर ऑल्टरनेटिंग फिर खत्म हो जाएगी चीज, फिर एक ही स्टाइल रहेगा, यानी कि डिलीट बटन रेड इंसर्ट वो येलो, देखो ना मुद्दा बाप जैसे। अच्छा एक तो तुम मुझे ये कह रहे हो सर ये रेड है ये येलो है, ये तो काम सौखा है, एक तुम मुझे ये कहो कि सर ये पहली वाली रो ये रेड ये येलो ये ग्रीन येलो फिर रेड येलो फिर ग्रीन येलो, अच्छा अल्टरनेटिंग वाला करा। अच्छा पहली रो में जब डिलीट बटन आए तो वो किस कलर का हो? रेड बी टी एन DANGER BTN डेंजर। अच्छा और जो हमारे पास अगला बटन एडिट का किस तरह का है? सी एस एस क्लास इक्वल्स टू BTN डैश किस कलर का हो? येलो कर दूँ BTN प्राइमरी। अब होगा ये कि पहली जो रो आपके पास आया करेगी वो पहला बटन उसका रेड और अगला येलो फिर दूसरा सिंपल फिर अगला रेड येलो दूसरा सिंपल करके देख लेते हैं। अब ये होना चाहिए रेड येलो सिंपल रेड येलो सिंपल रेड येलो ऑल्टरनेटिंग है ये, अभी दूसरी की रो का स्टाइल नहीं दिया लेकिन ऑल्टरनेटिंग कर दी, सिंपल रेड येलो सिंपल रेड येलो। ऑल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट है, एडिट आइटम टेम्पलेट है, एम्प्टी डाटा टेम्पलेट है, इंसर्ट आइटम टेम्पलेट है, लेआउट टेम्पलेट है, सिलेक्टेड टेम्पलेट है और ये सारी सेम है। अब आप चाहते हो ऑल्टरनेटिंग स्टाइल देना है तो आपने दो जगह पे एडिटिंग करनी है, एक ऑल्टरनेटिंग में करनी है और एक आइटम में करनी है, तो ये आपकी दो रोज अल्टरनेट हो रही होंगी, पहले आइटम टेम्पलेट फिर अगली रो ऑल्टरनेटिंग फिर आइटम फिर ऑल्टरनेटिंग। आपने एडिटिंग करनी है, मैं एडिट का बटन दबाऊँ तो क्या स्टाइल हुआ? एडिटिंग में करनी है। अगर डीबी से कोई डाटा नहीं आता कोई रिकॉर्ड नहीं आता तो वो क्या दिखाए? एम्प्टी डाटा टेम्पलेट, उसमें क्या लिखा हुआ है? नो डाटा वॉज रिटर्न, ये लिखा हुआ आएगा आपके पास। इंसर्ट आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाली रो का क्या स्टाइल होना चाहिए वो है, सिलेक्टेड जो रो सिलेक्टेड है उसका क्या स्टाइल होना चाहिए वो ये, मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो तो ये है।
अब मैंने अल्टरनेटिंग को तो सेट कर दिया, लेकिन अब आपने देखा पहली सिंपल है, अगली कलरफुल है, तो किधर चेंजेस करनी पड़ेंगी? आइटम टेम्पलेट में। अब मुझे बताओ दूसरी रो के अंदर जो डिलीट का बटन है, ऐसे ही था ना डिलीट का बटन, सी एस एस क्लास इक्वल्स टू, अब ये किस कलर का हो, जो करना है कर लो, बी टी एन, बी टी एन डैश, वो खुद ही एवं आ जाता चलो, बी टी एन डैश सक्सेस। अच्छा डिलीट का बटन था, ठीक है, और इसको वार्निंग कर दें, वार्निंग वाला क्या था, वार्निंग, और एडिट बटन को क्या कर दें, सक्सेस का मतलब ग्रीन हो गया। लो जी अब आपके पास ये अल्टरनेटिंग में डिफरेंट कलर्स के साथ आ रहा हो। क्यों आपको तो समझा रहा हूँ ना चीजें, उसको छोड़ कलर तो जो मर्जी दे ले मेरे भाई, कलर देना आ गया एक लाइन आ गई ना इस कलर में, उसमें फिर दो वही कलर, फिर वो अल्टरनेटिंग में आप दो रोज को डिफरेंट कलर दे सकते हो, ये बात हो रही है, मेरी बात नहीं समझते सिर्फ, अब ये देखो मोबाइल समझ नहीं आ रही, मैं ये चाह रहा हूँ कि रोज हाईलाइट हुई हूँ, तो आप अल्टरनेटिंग स्टाइल में इसका बैक कलर दोगे फिर ये रोज हाईलाइट हो जाए। अब इंसर्ट का बटन और क्लियर का बटन फारग आ रहा है, तो वो कहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे एडिटिंग, इंसर्ट आइटम टेम्पलेट पे, इंसर्ट बटन है, इंसर्ट बटन को सी एस एस क्लास कौन सी देते, ठीक है अच्छा जी, और इनसाइड पे भी हो गई, और एक आधा कुछ edit, रह गया, हाँ नहीं एडिट का, ठीक है अपडेट का बटन इधर होना है ना, ये देखो अपडेट बटन, अपडेट बटन को कौन सी क्लास है यार, तुम लोग को थीम से देख ही लेता बंदा, थीम किधर है, आपको मैं थीम से दिखा देता हूँ ना डिफरेंट कलर्स, आपको आसानी हो जाएगी, ये एच टी एम एल जॉली एनी इंडेक्स आई इंडेक्स डॉट ए एस पी एक्स, फ्री लांसिंग वगैरह के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है ये, आप जो से अन्य वाह इसमें पैसे कमा सकते हो, ठीक है इधर आए, डेंजर हो गया, इन्फो कहीं नहीं दिया शायद, अच्छा चलो इन्फो, अच्छा इन्फो वाला भी यूज़ करेंगे हम, इस बटन के लिए अब मैं यूज़ करूँगा अपडेट बटन के लिए इन्फो, बी टी एन इन्फो, ठीक हो गया, ये कौन सा बटन था अपडेट का, ओके हो गया। लो जी अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, ये दिस लो जी आप इसको देखो, हाँ क्लियर पे कुछ नहीं लगाया डिफॉल्ट, अब मैं एडिट करता हूँ तो एडिटिंग की रो देखना आप कैसी होती है, अपडेट के बटन पे कलर आ रहा है, कैंसिल को आपने वही रहने दिया था तो वही है, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल, नहीं समझ आई, नहीं एम्प्टी नहीं पकड़ेगा, वैलिडेशन है, वैलिडेशन लगानी है, वो भी सिखाना है अभी, वो लग जाएगी इसमें कोई काम लगा दूँ कहते हो तो वो भाई जो कहोगे वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि उससे चलेंगे सीक्वेंस से तो मज़ा आएगा, मैंने मैं आपको बता दूँ अपनी स्कीम, आपको बता दूँ पहले मैंने कवर करने स्टैंडर्ड टूल्स,
स्टैंडर्ड आपको आ गए, ख़त्म हो गई कहानी। फिर मैंने कवर करने डाटा टूल, मैंने आपको लिस्ट व्यू, ग्रेड व्यू, फॉर्म व्यू, रिपीटर, एसक्यूएल डाटा सोर्स, ये सारी चीज़ें सिखानी है, डाटा लिस्ट और ये सारी चीज़ें। ये सिखाने के बाद मैं आपको लेके आऊँगा वैलिडेशन पे, फिर मैं आपको लेके आऊँगा नेविगेशन करा चुका हूँ, फिर आपको लेके आऊँगा लॉगिन पे, फिर आपको लेके आऊँगा एजेक्स पे, फिर आपको लेके आऊँगा रिपोर्टिंग पे, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह पूरा तो वीडियो स्टूडियो हो गया। हाँ पूरा मॉड्यूल मॉड्यूल यही लिखा हुआ है, पढ़ा था तुमने, यही है सेम है बना लिए वो कर लेते हैं पहले ये तो सीख लो। अच्छा अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस इंतहाई फारक आ रहे हैं, इंसर्ट आइटम टेम्पलेट बटन को तो हमने दे चुके हैं, लेकिन आगे टेक्स्ट बॉक्सेस भी तो लगे हुए, तो टेक्स्ट बॉक्सेस को फॉर्म कंट्रोल के क्लास दे दो, सी एस एस क्लास इक्वल्स टू एफ ओ एफ ओ सबको देंगे फॉर्म कंट्रोल। हाँ इसके रिकॉर्ड कर लें क्या सर, ये ए एस पी और टेक्स्ट बॉक्स ये सेलेक्ट कर लें ठीक है, थे जो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ सबको, लेकिन वो भी चेंज हो, ठंड रखो ना इसको रिप्लेस, मैं कहता हूँ इसको ये रिप्लेस कर दे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं कहता हूँ इसको इन सारों के साथ रिप्लेस कर दे, रिप्लेस ऑल फोर अक्रेंसेज रिप्लेस्ड, खतरनाक काम है, गलती होगी ना तो अंडू करना बड़ा औखा है, फिर अंडू नहीं होना रिस्क है, बाबा रिस्क है, हाँ जी ये दो ये सी एस एस क्लास दो दफ़ा ही है कंट्रोल एस, ठीक है तो आप ये देखो, अब मैं इसमें बीच में से किसी रो में एडिट करता हूँ तो एडिट वाले टेक्स्ट बॉक्स में भी आप काफ़ी बेहतर आ रहे होंगे, ये चेक करो ठीक है। अच्छा अब ये रह गया फर्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट, और अब ये हमने डिसीजन करना है कि पेजिंग कितने रिकॉर्ड्स के बाद पेजिंग करनी है, भाई ये फर्स्ट नेक्स्ट ये नहीं चलाना है, कितने रिकॉर्ड्स दिखाऊं तो ये पेजिंग करे, एवरी 10 अपनी शोकियां हमारी चली जाती है सर, ये क्या कह रहे हैं आपको यहाँ डेटा पेजर नहीं आ रहा, अच्छा यार ये कैसे हो गया, ले आइटम आइटम टेम्पलेट लेआउट टेम्पलेट सिलेक्टेड टेम्पलेट, बहरहाल ये फिर डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है ना वो 10 पे है, मैं 10 के बाद आपको पेजिंग चला के दिखा देता हूँ, डीबी में एंट्रियाँ कर लूँ कि फ्रंट एंड से ही कर लूँ, फ्रंट एंड से ही कर लेते हैं, एम्प्टी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ मैं बाबा सारे, वैलिडेशन तो ऑल दो हमने लगानी है, मैं एम्प्टी रिकॉर्ड्स ना एम्प्टी रोज बाबा सारे इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमारा ये फर्स्ट नेक्स्ट तो चले ना, सात हो चुके हैं, आठ हो चुके हैं, नौ हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, अब 10 के बाद ये पेजिंग मुझे यकीन है करेगा इंसर्ट, 10 के बाद 11वां रिकॉर्ड अगले पेज पे होगा, यस सर नहीं आ गया है वाह हो गया, पांच टाइम यूज सर क्या हो गया, चलो आगे जा रहे हैं सर जा रहे हैं, अब 11 के बाद पेजिंग है ठीक है, अब वो कहता है अब ये देखो 11 ही नजर आ रहे हैं, अगले रिकॉर्ड में कहता हूं जी फर्स्ट वाला अब नहीं आ रहा, ये नेक्स्ट का बटन इनेबल हो गया, मैं कहता हूं मुझे अगली अगला दिखाओ, मैं कहता हूँ मुझे पहला पेज दिखाओ पहले पेज, सर एक बात का कैसा होता है कि हमारी वो उधर से टूट जाती है, क्या टूट जाती है जैसे अब आईडी हमने क्रिएट किया वो नहीं रेव लेवल पे आनी, वो वैसे ही रहेगी, नहीं नहीं कोई सलूशन तो नहीं है ना, कोई सलूशन नहीं है कुछ भी नहीं है, जलालत है, मार्कर है आईडी जोन सी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, अब एक ऑटो इंक्रीमेंट में ये भी रोल है कि अनसक्सेसफुल हिट आई है डीबी में फौरन की कह रहा है उसने वो आईडी कैंसिल कर देनी है, अगली क्यूरी आएगी वो 12 साइन करेगा, वेबसाइट ऑनलाइन पड़ी है, हज़ारों यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, हज़ारों क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं उसको, हज़ारों अनसक्सेसफुल हिट्स हैं, उतनी आईडीज कैंसिल होती चली जानी है, ऐसे ही है कि नहीं है, अब तुम चाह रहे हो आईडीज को मैं सीक्वेंस में करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये फिर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते, मैनुअल देंगे
क्या तरीका है मैनुअल देने का, क्या दें फ्रंट है, हाँ कमाल कर दी, डीबी पढ़ी है, डीबी में आईडी पढ़ी वन, तुम भी बैठे हो, तुम भी बैठे हो, अब हम कहेंगे सिलेक्ट करो मैक्सिमम आईडी फ्रॉम कस्टमर, तुम्हारे पास भी वन है या तुम्हारे पास भी, इधर भी इंक्रीमेंट हुआ वन टू, इधर भी इंक्रीमेंट हुआ टू, हजारों यूजर बैठे सारों को टू टू मिला है, जब इंस्पेक्ट करेंगे सारी टू टू पे आ रही होंगी, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसे फिर कॉन्करेंट चला सकें, मेरी बात ही समझे, तरीका यही है कि आईडी गेट करें उसमें एक का इंक्रीमेंट करें, अब ऑनलाइन पड़ी है चीज़, हजारों यूजर बैठे हैं, तुमने एक्सेस किया वन मिला, तुमने भी एक्सेस किया वन मिला, तुमने भी एक्सेस किया वन मिला, अब दोनों में वन वन का इंक्रीमेंट हो गया, तुम तीनों के पास दो टू टू है, अब तुमने इंसर्ट कर लिया पहले तुम्हारा हो जाएगा, इन दोनों का नहीं होना, इन दोनों को फिर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, फिर आईडी आएगी, किस्मत हुई तो हो जाएगा वरना फिर जला लेता है सही है, तो ये रोल है, ये कभी इस तरह से ना करना, ये आईडीज दिखानी भी नहीं होती, मैं आपको बताऊं ये सिर्फ प्राइमरी की है, सिर्फ उसके अगेंस्ट हमारे रिकॉर्ड आते जाएं जाते जाएं, बस ये इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च हमारा ये करा, ये सही चलना चाहिए, देखो मैंने एम्प्टी एम्प्टी रोज इंसर्ट किए हैं ना, हर एक को आईडी अपनी मिली है, अब ये मैं चाहूँ तो मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ, अगर मैंने मैनुअल आईडी रखी और यहाँ पे नल नल हुआ, यहाँ सेवन और यहाँ सेवन आ गया, सारी डीबी का बेड़ा गर्क हो जाए, हाँ हाँ काउंटर वो सीरियल नंबर दे देंगे, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो सीरियल नंबर आप रखो, अच्छा वो फिर जावास्क्रिप्ट के जरिए, लेकिन ये आईडी नहीं आपने रखनी, वो तो फिर फ्रंट एंड है ना, वो तो सीरियल नंबर जो मर्जी दिखाओ, वी डोंट केयर अबाउट सीरियल नंबर, ठीक है वो फारग हो जाए सीरियल नंबर, ठीक हो गया, इतना बड़ा है, फिर बाकी अब अगले लेक्चर में देखते हैं, आपका लेक्चर बेशक 15 मिनट है, बेशक हमने आधा पौना घंटा ही पढ़ा है, नहीं 45 मिनट